हेलो स्टूडेंट्स। सो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सबसे ज्यादा CUET के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल किए गए। एक मेरे पास है नोटिस आ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट ने शेयर किया मेरे को, फेक नोटिस है। उसके अंदर लिखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके जो फीसेस हैं कि इतनी सारी फीस है आपको यहाँ पे करना है। तो सारी की सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या सारा चीज है। सर, अभी तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल कोई भी नोटिस नहीं आया है रिगार्डिंग द एडमिशन, कि आपका जो एडमिशन कब होगा, कैसे होगा। इसके लिए यार मैंने स्पेसिक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है CUET UG के लिए स्पेशली, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी की सारी अपडेट डाल दी जाती है रिगार्डिंग द एडमिशन। अब यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है, और आपको जो है कैसे एडमिशन मिलेगा वो भी आप लोग जान लो। तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप नोट भी कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, admission.uod.ac.in। ओके, इस पर जैसे ही आप जाते हैं आपको सारा का सारा प्रोसेस समझाया गया है कि कैसे एडमिशन होगा। आपका एक लैंग्वेज हो गया, ठीक है, डोमेन हो गया, देन आपका जो थर्ड है वो जनरल टेस्ट हो गया। इसके बेसिस पे जो है आपको एडमिशन मिलेगा। सो यार जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है बेसिकली से जो भी है NTA की तरफ से, तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपका एक विंडो खुलेगा, जो ये जो admissions.uod.ac.in है, यहीं पे आपको जो है एक पॉपअप विंडो दिखेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द CUET इंडिविजुअल एडमिशन रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है एप्लीकेशन नंबर या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, नहीं एप्लीकेशन नंबर मांगेगा आपको। आपको वो जैसे ही आप वहाँ पे डालोगे आपको सारा का सारा आपका जो फॉर्म है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे ही वो फॉर्म दिखता है आपको अपनी ब्रांचेस सेलेक्ट करनी पड़ती है कि मैंने जो कॉलेज, जैसे आपने कोई कोर्स सेलेक्ट किया था, जैसे मैंने सेलेक्ट किया BSc फिजिक्स, ओके, और BA फॉर नर्स, एंड मैनी कोर्सेज मैंने सेलेक्ट किए। फिर मेरे पास कॉलेजेज आ जाती है वहाँ पे, ठीक है, कॉलेजेज जैसे हंसराज कॉलेज हो गया, ठीक है, मलिंदा हो गया, मरिंडा कॉलेज जो भी है, मैनी मैनी कॉलेजेस भाई 90 कॉलेज प्लस कॉलेज है, ठीक है, इसके अंदर हिंदू कॉलेज हो गया, मैनी मैनी कॉलेज हंसराज एंड अदर अदर। तो हमको जो वहाँ पे चॉइस फिलिंग देनी है, ठीक है, वहाँ पे हमें प्रेफरेंस देनी है कि मेरे को फर्स्ट पे कौन सा मिलेगा, सेकंड पे कौन सा मिलेगा, थर्ड पे कौन सा मिलेगा। ओके, अब यार दिल्ली यूनिवर्सिटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि CUET में कितने बच्चे अप्लाई किए हैं, ठीक है, नथिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बात से फर्क पड़ता है आपकी जो रैंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पे बनाई जाएगी जिस बेसिस पे जो है बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के CUET जो स्मार्ट पोर्टल पे जाके रजिस्टर करते हैं, ठीक है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जैसे आपका पोर्टल शायद इस नाम से बनेगा कुछ DU.smart.ac.in, आपका जो डोमेन है वो स्मार्ट वाला ही रहने वाला है, बिकॉज जो डेटा है सारा का सारा स्मार्ट ही इन सबको देगा, ठीक है। पिछले साल ही ऐसा ही हुआ था, जो CUET का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जो स्मार्ट वाला जो पोर्टल है सारा का सारा डेटा वही प्रोवाइड करता है, सारी की सारी कॉलेजों के पास वो चला जाएगा। जैसे ही वहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल डालोगे आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके लिए जो हमारा एक स्पेसिफिक एडमिशन प्लान चलता है स्पेशली CUET के लिए, आप उसमें इनरोल हो सकते हो, जिसके अंदर जो है हमारी टीम जस्ट लाइक ट्राई करती है टिल प्रोवाइड 100% अलॉटमेंट इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस स्पेशली, और अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है एज पर पॉलिसी आपका रिफंड कर दिया जाता है। दिस इज द ये इंडिया का पहला स्मार्ट काम कर रहा है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फीस वापस, ठीक है। आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होता उनको फीस किस बात के लिए, ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और आपको यार किसी भी इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाके पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, मेरा यही आप लोगों को कहना है। और आप सभी लोग वेबसाइट पर विजिट करते रहे, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द एडमिशन डिटेल्स स्पेशली। और यहाँ जैसे ही CUET का UG का एडमिशन रिलीज होता है उसके बाद ही सारा का सारा आपका ये जस्ट लाइक मिल सकता है, और CUET का जो रिजल्ट है वो आप मान सकते हो टिल सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर तक रिलीज कर दिया जाएगा। अभी एक वीक खत्म हो चुका है, 7 तारीख कम्प्लीट हो चुकी है, 14-15 तक पूरे चांसेस हैं आने के, बिकॉज एग्जाम में काफ़ी दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप सारे बच्चे ध्यान रखेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और भी कोई क्वारी है तो इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कॉलिंग नंबर दिया गया है, कमेंट बॉक्स भी दिया गया है, उस पर आप चेकआउट कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल जान सकते हो रिगार्डिंग एडमिशन, बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज, एंड अगर आपने CUET नहीं भी दिया है तो भी जस्ट लाइक आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज है,
जो स्टार काउंसलिंग है, सीएसएबी है, जेएनटी है, जेएक चंडीगढ़ है, कॉमेटेक है, टीएनई है, डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू है, आईसर है, आईएएसटी है, ठीक है, आईएसआई है, सीएमआई है, नाइसर है, आईएएससी बेंगलोर है, एंड मेनी मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। राजस्थान का ट्रीप हो गया, गुजरात का एससीपीसी हो गया, पंजाब का आईकेजीपीटी हो गया, जेएक दिल्ली हो गया, ठीक है, यूपीटी हो गया, एचपीटी हो गया, एकेटी हो गया, जेएक चंडीगढ़ हो गया, जेएक दिल्ली हो गया, आईपीयू की हो गई काउंसलिंग, उत्तराखंड की काउंसलिंग होगी, जम्मू कश्मीर की काउंसलिंग होगी, सभी की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू गाइस, थैंक।